दोस्तों आप सभी को जय गंगे माता। इस समय हो रहा है 5:40 और हरिद्वार से शुरू करते हैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा। यात्रा के सभी जो पड़ाव आएंगे और रास्ते से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको मिलेगी। बैक साइड में आप देख सकते हैं हर की पैड़ी नज़र आ रही है और 5:40 में हमारी यात्रा शुरू हुई है। तो देखते हैं कितना समय लगता है। रास्ते में बहुत सारे प्रयाग भी मिलेंगे, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको उत्तराखंड के जो पंच प्रयाग हैं उनमें से कुछ प्रयाग के दर्शन कराएं। तो वीडियो में बने रहें और एक बार बद्री विशाल की जय बोल दें। बद्री विशाल की जय हो और यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों 13 नवंबर के दिन सुबह 5:40 में माँ गंगे और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर हम निकल पड़े बद्रीनाथ धाम के लिए। रास्ते के सभी दृश्य हम कवर करेंगे और रास्ते में कौन कौन से मुख्य जगह आपको मिलते हैं, कैसे आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करें, सभी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करें ताकि बद्रीनाथ धाम कैसे पहुंचा जाए उसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो अभी देख सकते हैं हम ऋषिकेश पहुँच चुके हैं और अभी आगे जैसे ही हम चलेंगे तो शिवपुरी आएगी। शिवपुरी, व्यासी, कौडियाला और देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए हम बद्रीनाथ धाम के लिए पहुंचेंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पर बद्रीनाथ धाम 285 किलोमीटर लिखा हुआ है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उस दावे की भी पोल खोलेंगे। बहुत सारी वीडियो में बताया गया है कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम का जो सफर है वो मात्र 5 घंटे का है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि डिस्टेंस की बात करें तो ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की जो डिस्टेंस है वो 295 किलोमीटर है, जो कि 5 घंटे में पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। रास्ता अच्छा हुआ है ये जरूर है, लेकिन अभी इतना अच्छा नहीं हुआ है कि आप 5 घंटे में बद्रीनाथ धाम पहुंच जाए। तो वीडियो में बने रहें, आज की इस वीडियो में उसकी पूरी जानकारी भी हम आपको देंगे। यहाँ से अगर राइट मुड़कर आप जाएंगे तो नीलकंठ मंदिर का जो मेन मार्ग आ जाएगा और यहाँ से राइट मुड़कर आप नीलकंठ मंदिर पहुँच जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं आगे की ओर और ये देख सकते हैं अब हम शिवपुरी में एंट्री कर चुके हैं। जब हम ऋषिकेश से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो शिवपुरी ही आता है। और ये देख सकते हैं सुंदर सा पुल, यहाँ अक्सर फोटोग्राफी होती है। बहुत ही अच्छे यहाँ से व्यू नजर आते हैं क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ नजर आते हैं। दोस्तों जब आप शिवपुरी से आगे बढ़ेंगे तो आपको ब्यासी एक जगह आएगी, उसके बाद कौडियाला आएगा और जब और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप देवप्रयाग में पहुंच जाएंगे। तो कुछ ही देर में हम देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं और देवप्रयाग जो है वो बहुत ही फेमस है, यहाँ पर संगम स्थल होता है। तो आइए आप सभी को दर्शन कराते हैं। 5:30 के आसपास हरिद्वार से निकले थे और लगभग 2.5 घंटे हमें देवप्रयाग तक पहुंचने में लग गए हैं। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इस तरफ से अलकनंदा रिवर आ रही है और इस तरफ से भागीरथी रिवर है और दोनों यहाँ पर मिलकर संगम बनाते हैं। और यहाँ से आगे की जो धारा है इस धारा को हम हरिद्वार ऋषिकेश में देखते हैं, जिसे गंगा जी के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही दिव्य दर्शन इस समय आप सभी कर रहे हैं। इसके आगे जब हम चलेंगे तो रुद्रप्रयाग आएगा, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है, तो वहाँ भी दर्शन कराएंगे। तो वीडियो में बने रहें और चलते हैं आगे की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों देवप्रयाग संगम स्थल में दर्शन करने के बाद हम चल पड़े बाबा बद्रीनाथ धाम के लिए और आप रास्ते को देख सकते हैं। रास्ते को आप अच्छे से देख लें ताकि आपको इसकी भी जानकारी मिले कि आप यहां पर अपनी पर्सनल कार से आना चाहेंगे या आप टैक्सी लेकर यहां पर आना चाहेंगे, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, इतना आसान नहीं है। कोशिश यही करें कि आप हरिद्वार या ऋषिकेश से कोई प्राइवेट टैक्सी ले ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों एक बात का आपको हमेशा याद रखना है, अगर आप उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो जितना जल्दी अर्ली मॉर्निंग आप यात्रा शुरू कर सके आपके लिए उतना ही अच्छा होगा।
शाम होने से पहले पहले आप किसी भी धाम में पहुंचना चाहे तो आसानी से पहुंच जाए, क्योंकि शाम के बाद ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से आपका यह विशेष ध्यान रखना है, 6 बजे के आसपास अपनी यात्रा को शुरू कर दें। और जैसे ही आप देवप्रयाग से आगे जाएंगे तो कीर्तिनगर एक काफी फेमस जगह है, कीर्तिनगर आएगा तो यहाँ से देख सकते हैं कीर्तिनगर थोड़ी देर में आने वाला है। और जब कीर्तिनगर पहुंच जाएंगे तो वहां पर पुल के जरिए आपको अलकनंदा जी को पार करना है। और जब पुल से अलकनंदा जी को पार करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं पुल आने वाला है, ये है, यहीं पर कीर्तिनगर है। और इस पुल के माध्यम से आप अलकनंदा जी को पार करके फिर आपको बाईं ओर मुड़ना है। और जब बाईं ओर आप मुड़ेंगे और उसके आगे थोड़ा चलेंगे तो फिर श्रीनगर आएगा। ये उत्तराखंड का श्रीनगर है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे होटल्स हैं। तो ये कह सकते हैं एक ऐसी जगह है जहां पर थोड़ा सा फ्लैट में ये शहर बसा हुआ है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं। तो इसी वजह से यहां पर काफ़ी सुविधाएं हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, आसानी से आप यहां पर रुक सकते हैं, उसके अलावा लंच डिनर भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं इस समय श्रीनगर में चल रहा हूं। और श्रीनगर से जब आप आगे चलेंगे तो उसके बाद रुद्रप्रयाग आएगा। तो आइए चलते हैं, और कमेंट में जय बद्री विशाल ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर करते जाएं। अगर आप इसी तरह लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमने श्रीनगर पार कर लिया है और इस समय हो रहा है 9:40, और 4 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है, और 140 किलोमीटर की जो यात्रा है वो हमारी हो चुकी है। अभी यहाँ से 180 किलोमीटर के आसपास हमें और चलना है। तो ऐसे रास्ते में बहुत ही अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देवप्रयाग से श्रीनगर तक का, यहाँ तक का रास्ता तो काफ़ी अच्छा नज़र आया है, आगे का रास्ता हम देखेंगे कैसा है। और ओवरऑल रास्ते की बात की जाए तो हरिद्वार से अभी तक कोई ऐसी रास्ते में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आइए चलते हैं आगे, अपनी यात्रा को आगे करते हैं। दोस्तों, जब आप श्रीनगर से आगे बढ़ेंगे तो लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी जब चलेंगे तो धारी देवी मंदिर आता है, जो कि उत्तराखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो अभी रास्ते में हम आपको धारी देवी जो मंदिर है वहां पर टॉप पर खड़े होकर आप सभी को दर्शन कराएंगे। हम धारी देवी मंदिर तक पहुंच चुके हैं, और धारी देवी जो मंदिर है उत्तराखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और कहते हैं चार धाम जितने भी लोग आते हैं सभी माता जी की आशीर्वाद से ही अपनी यात्रा पूरी करते हैं। तो आप सभी को धारी देवी मंदिर दिखाते हैं, और वो रहा मंदिर, आप सभी दर्शन कर सकते हैं। जब हम वापस आएंगे, समय मिला तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को मंदिर में जाकर माता जी के दर्शन कराएं। फिलहाल आप मंदिर देख सकते हैं, मंदिर जो है अलकनंदा जो रिवर है उसके बीचों बीच बना हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहां पर आते हैं, दर्शन करते हैं। अगर आप यहां की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी मैंने एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, आप चैनल में देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके भी देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होगी। और डिटेल में वीडियो बनाने का यही फायदा है कि जब भी आप सफर करेंगे तो आपको प्रॉपर जानकारी तो होगी। अब बात करते हैं धारी देवी मंदिर से जब हम आगे चलते हैं, तो जैसे ही आप 15 किलोमीटर के आसपास चलेंगे तो आपको रुद्रप्रयाग मिलेगा। रुद्रप्रयाग जो है उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है। तो रुद्रप्रयाग के अंतर ही गत केदारनाथ धाम मंदिर आता है। तो फिलहाल थोड़ी देर में रुद्रप्रयाग जो जिला है वो आने वाला है, तो आप सभी देख सकते हैं। और रास्ता आप देखिए, एक तरफ तो आपको पहाड़ मिलेंगे और दूसरी तरफ अलकनंदा जी की धारा आपके बराबर में चल रही होगी। तो अब ये मैं रुद्रप्रयाग पहुंच चुका हूं। दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात,
उत्तराखंड के तीन धाम जो हैं उनके कपाट बंद हो चुके हैं और बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो 19 नवंबर को बंद हो जाएंगे, तो इसको आप ध्यान रखें। तो दोस्तों अब हम रुद्रप्रयाग तक पहुंच चुके हैं और समय की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 11:05 हो रहे हैं, तो लगभग 5.5 घंटे हमें हरिद्वार से रुद्रप्रयाग पहुंचने में लगे हैं और 157 किलोमीटर का सफ़र अभी बाकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है। और अगर आप केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो यहाँ से ये जो रास्ता है ये केदारनाथ धाम के लिए जाता है। अगर आप रुद्रप्रयाग शहर से पहले केदारनाथ धाम के लिए मुड़ना चाहते हैं तो एक रास्ता पहले भी आपको मिल जाएगा जो रुद्रप्रयाग बाईपास का मार्ग है, जिसमें आप ट्रैफिक से बचेंगे क्योंकि रुद्रप्रयाग अगर 20 से आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी मिलता है। तो चलते हैं, बद्रीनाथ धाम की यात्रा को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों रुद्रप्रयाग से जब हम आगे चलते हैं तो हमें एक गौचर मिलता है। गौचर एक बड़ी जगह है और यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि अगर आप लंच करना चाहते हैं, डिनर करना चाहते हैं, या आपको चलते चलते देर हो गई है और आप आराम करना चाहते हैं, रूम लेना चाहते हैं, तो यहाँ भी अच्छे ऑप्शन हैं। ऑन रोड ही यहाँ का जो मार्केट है वो भी आपको नज़र आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये गौचर की मार्केट है, तो यहाँ पर आप सभी रुक सकते हैं। और एक सीधी रोड है, उसी में सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये देख सकते हैं नगर पालिका परिषद गौचर आगमन पर आपका स्वागत है, मतलब अब हमने गौचर जो है क्रॉस कर लिया है। दोस्तों यहाँ से जो बद्रीनाथ धाम है वो लगभग 110 किलोमीटर के आसपास रह चुका है और एक यहाँ पर झरना हमें और देखने को मिला, बहुत ही अच्छा झरना है, तो आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं रास्ते के जो व्यू हैं बहुत ही अच्छे हैं। जब आप बद्रीनाथ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास पहुँचेंगे तो पहाड़ जो हैं आपको बहुत ही अच्छे नज़र आएंगे, हरे भरे पहाड़ हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्यारा झरना है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और शेयर ज़रूर करें। बद्रीनाथ धाम के रास्ते में ऐसे बहुत सारे झरने आपको देखने को मिलेंगे, तो फिलहाल आप सभी देख सकते हैं। और मेरे साथ कुछ मेरे साथी हैं, एक ये हैं, ये विष्णु जी। हेलो। काफ़ी टाइम बाद आप लोग मेरे साथ देख रहे होंगे, पहले कई बार ये हमारे साथ रह चुके हैं। दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रास्ता है वो थोड़ा सा हमें खराब मिला है और जेसीबी कार्य कर रही है और जो ये सड़क है, ये रोड जो आप देख रहे हैं, इसको चौड़ी किया जा रहा है। ऐसे कई जगह आपको रास्ते में देखने को मिलेगा, लगभग आप अगर पूरी यात्रा की बात करेंगे तो आपको कम से कम 20 जगह ऐसा कार्य होते हुए मिल जाएगा, क्योंकि कई जगह पर अभी भी जो रोड है वो काफ़ी सकरी है, तो उसको चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। दोस्तों अब हम कर्णप्रयाग पहुंच चुके हैं और कर्णप्रयाग भी उत्तराखंड के पंचप्रयाग में शामिल है, एक मुख्य संगम स्थल है। यहां पर आप सभी संगम स्थल के दर्शन कर सकते हैं। इस तरफ ये जो धारा आप देख रहे हैं इस तरफ से अलकनंदा रिवर आ रही है और उस तरफ से पिंडार नदी, यहां पर दोनों मिलती हैं और संगम बनाती हैं। चूँकि अलकनंदा नदी जो है वो बड़ी नदी है तो इसके नाम, इसके आगे की जो धारा है उसे अलकनंदा रिवर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जब एक बड़ी नदी एक छोटी नदी से मिलती है तो आगे जो धारा है उसको बड़ी नदी के नाम से ही जाना जाता है, तो इसी वजह से आगे की जो धारा है वो अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। और दिव्य दर्शन आप सभी कर सकते हैं, ये कर्णप्रयाग है। तो दोस्तों कर्णप्रयाग में संगम स्थल को दर्शन करने के बाद हमारी जो यात्रा है वो बद्रीनाथ धाम के लिए आगे बढ़ती है। और बात करें कर्णप्रयाग में तो लगभग हमें एक के आसपास तो कर्णप्रयाग में ही बच जाते हैं। और जब आप कर्णप्रयाग से आगे चलेंगे तो नंदप्रयाग आएगा। नंदप्रयाग में आप देख सकते हैं, ये नंदप्रयाग एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं और बहुत सारे होटल्स हैं, अच्छी जगह है। और कर्णप्रयाग के बाद जो नंदप्रयाग है एक प्रमुख स्थान है, इससे जब आगे आप बढ़ेंगे तो जोशीमठ
और उससे आगे जब जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम आएगा। तो ऐसे ही रास्ते के हर एक व्यू इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता रहूँगा। दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं नंदप्रयाग के सुंदर दृश्य, और नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी दो रिवर मिलती हैं और संगम बनाती हैं। फिलहाल संगम स्थल यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, हमें देखने के लिए नीचे उतरकर उस तरफ जाना होगा और वहाँ जाकर आप संगम स्थल को देख सकेंगे। फिलहाल हमें बद्रीनाथ धाम के लिए जाना है, तो कोशिश रहेगी कि वापस आते समय आपको वो संगम स्थान दिखाया जाए। फिलहाल आप नंदप्रयाग को देख सकते हैं। दोस्तों नंदप्रयाग को देखने के बाद अब हमारी जो यात्रा है वो बद्रीनाथ धाम के लिए आगे बढ़ती है, और रास्ता आप देख सकते हैं जैसे ही नंदप्रयाग से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें जो रास्ता है वो खराब मिलना शुरू हो जाता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो रास्ता है काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो एक तो बहुत ही सकरी रोड है, यहाँ पर एक गाड़ी एक समय पर एक ही गाड़ी निकल सकती है। तो आप इन दृश्यों को देख सकते हैं और आपको ये पता लग जाएगा कि कहाँ पर रास्ता सही है और कहाँ पर खराब है। और जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी दूर तक ऐसा ही रास्ता हमें देखने को मिलता है। आप इन रास्तों को देखें, ये नंदप्रयाग से जब आप बद्रीनाथ धाम के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ के रास्ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो पहाड़ हैं वो भी कच्चे नजर आ रहे हैं। दोस्तों एक झरना हमें यहाँ पर भी देखने को मिला, ऐसे रास्ते में हमें कई झरने मिले। और यहाँ से जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो चमोली में एंट्री कर गए। आप ये देख सकते हैं ये चमोली जो कि एक काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, और चमोली जिले के अंदर ही जोशीमठ बद्रीनाथ धाम आते हैं। तो पहले आप चमोली को देखें, उसके बाद जब हम चमोली से आगे बढ़ेंगे तो पीपलकोटी पड़ेगा, उसके आगे जोशीमठ और फिर उसके बाद बद्रीनाथ धाम। तो अभी भी जो हमारा सफ़र है वो 100 किलोमीटर के आसपास रह गया है और हमें लगभग 7-8 घंटे जो है वो सफ़र के हो चुके हैं। ये देखिए ये चमोली है, तो फिलहाल आप चमोली डिस्ट्रिक्ट को देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आप चलाते चलाते थक गए हैं या आप रेस्ट करना चाहते हैं या आप लंच डिनर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आसानी से, आपको बहुत सारी रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं और भोजन भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चमोली से जब आगे बढ़ते हैं तो चमोली के बाद जो मेन स्थान आता है वो पीपलकोटी है, और पीपलकोटी भी काफ़ी बड़ा एरिया है और काफ़ी ज़्यादा होटल्स यहाँ पर हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। तो ये भी एक मुख्य स्थान है अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के लिए आ रहे हैं और रास्ते में आप लेट हो जाते हैं किन्हीं कारणवश, तो आप पीपलकोटी में भी रुक सकते हैं, यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और पीपलकोटी आ चुका है, और पीपलकोटी ये जो पुल आप देख रहे हैं इसको जब आप पार करके आगे जाएंगे तो आपको पीपलकोटी की जो मार्केट है वो नज़र आएगी। ये पहाड़ों के रास्ते आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि पहाड़ जो है बाहर की ओर निकले हैं और पूरी रोड को उन्होंने कवर कर रखा है, और क्योंकि पहाड़ों को काट काट के ही जगह बनाई जाती है, रोड बनाए जाते हैं। दोस्तों जैसे ही पीपलकोटी से आप आगे निकलेंगे तो आपको एक टनल मिलेगी, इसी टनल से होकर आपको आगे बढ़ना होगा, और ये टनल जो है लगभग 150 मीटर के आसपास होगी। तो ये देख सकते हैं अभी फ़िलहाल हम टनल के अंदर हैं,
टनल हमने क्रॉस कर लिया है और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर जैसे ही और आगे चलेंगे तो हम जोशी मठ में पहुंच जाएंगे। और जब जब जोशी मठ कोई श्रद्धालु पहुंचता है तो उसको एक खुशी होती है, क्योंकि वो बद्रीनाथ धाम के काफी करीब पहुंच चुका होता है। दोस्तों, जैसे ही आप सभी लोग जोशी मठ में एंट्री करेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर झरना देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं जोगी फॉल करके ये झरना है, और इससे आप ये भी आप पहचान भी जाएंगे कि आप लोग जोशी मठ में एंट्री कर चुके हैं। जोशी मठ से जो बद्रीनाथ धाम है वो लगभग 45 किलोमीटर के आसपास है, पांडुकेश्वर 20 किलोमीटर, गोविंद घाट जो है 18 किलोमीटर है। और इस तरफ अगर आप जाते हैं तो तपोवन होते हुए भविष्य बद्री की यात्रा कर सकते हैं, और दोनों बोर्ड यहाँ पर नजर आएंगे। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम की यात्रा में जो जोशी मठ है एक मुख्य पड़ाव है। कई बार जब हरिद्वार या ऋषिकेश से लोग लेट निकलते हैं तो वो जोशी मठ तक ही पहुंच पाते हैं, अंधेरा हो जाता है। तो जोशी मठ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, होटल्स हैं, और लोग यहीं पर ज़्यादातर रुकना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जोशी मठ में रुकते हैं, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग सुबह बद्रीनाथ धाम के लिए निकलते हैं, 1.5 घंटे का सफ़र है, और आराम से बद्रीनाथ धाम में दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर जोशी मठ वापस आ जाते हैं और जोशी मठ में रुकते हैं। और जोशी मठ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इस वजह से लोग यहाँ पर रूम्स जो हैं वो भी सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में ठंड बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ जो रूम के चार्जेस हैं काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। तो जोशी मठ जो है एक मुख्य पड़ाव है, आप अपने अनुसार प्लान कर सकते हैं। और जोशी मठ से जो बद्रीनाथ धाम की दूरी है जो 46 किलोमीटर के आसपास है, तो अभी हम चलते हैं और अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अब हमारी जो यात्रा है वो जोशी मठ से बद्रीनाथ धाम के लिए आगे बढ़ती है, और जोशी मठ के बाद ये हो जाता है कि लगभग 1.5 घंटे आपको बद्रीनाथ धाम के लिए लग जाते हैं। और बीच में कुछ मुख्य स्थान पड़ते हैं जिनमें पांडुकेश्वर है, एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है विष्णु जी का, और यहीं पर जो 5 पांडव हैं उनके पांडु जो उनके पिताजी उनका विवाह और कुंती जी का विवाह दोनों का यहीं पर हुआ था। और सामने जो आपको एक पीला सा गेट नज़र आ रहा है येलो कलर का, इसी गेट से जब आप नीचे उतरते हुए जाएंगे तो पांडुकेश्वर का जो प्राचीन मंदिर है वो मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब हम बद्रीनाथ धाम से वापस आएंगे तो यहाँ की भी एक वीडियो बनाएंगे, आपको सही से दर्शन कराएंगे, क्योंकि बहुत ही प्राचीन जगह है। और ये पांडुकेश्वर जो कि एक इतनी बड़ी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रुकने के ठीक ठाक होटल्स मिल जाते हैं। और ये रास्ते में जो मेन जगह है इन पे इतना फोकस इसी वजह से किया जाता है कि अगर बाई चांस आप थक गए हैं या आपको अंधेरा हो गया है, आप ड्राइव नहीं करना चाहते हैं, तो इन सभी स्थानों का जो महत्व है बढ़ जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और जब आपको जानकारी नहीं होगी तो आप परेशान होंगे, और इस वजह से ये सभी जो बीच बीच के जगह हैं ये जगह बताई जाती है। और आप देख सकते हैं पांडुकेश्वर से जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी कार्य चल रहा है, जो सड़क है उसको चौड़ीकरण का कार्य है, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी हमें रोड खराब मिली है। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं जितना यहाँ का रास्ता है उसको, जो पहाड़ है, जो पत्थर है, उनको इस ट्रक में भरा जा रहा है, तो हमें थोड़ी देर यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं। और इस तरह के कार्य आपको जगह जगह पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब हम हनुमान चट्टी तक पहुँच चुके हैं। हनुमान चट्टी जो है बद्रीनाथ धाम से 10-11 किलोमीटर पहले पड़ती है, और हनुमान चट्टी एक बहुत ही प्रमुख स्थान है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ यहाँ का इतिहास है। यहीं पर हनुमान जी ने भीम का जो अभिमान है उसको तोड़ा था। इसकी अलग से एक हम वीडियो बनाएंगे और पूरी डिटेल में आपको जानकारी देंगे। फिलहाल ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इस वजह से आपको सिर्फ शॉर्ट में ही हम जानकारी दे पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, और कहते हैं कि हनुमान चट्टी के बाद जो बद्रीनाथ धाम की चढ़ाई है आगे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही हम हनुमान चट्टी से आगे बढ़े तो फिर धीरे धीरे करके अंधेरा होने लगा था, और अंधेरा जब हो जाता है तो पहाड़ों में ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो पहाड़ होते हैं, दूसरी तरफ बहुत बड़ी खाई होती है, और जब लाइट सामने से पड़ती है तो ड्राइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
तो ये देख सकते हैं। और लगभग हम कह सकते हैं कि एक घंटा फिर भी लेट हो गए थे, क्योंकि वैसे तो हम हरिद्वार से अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे के आसपास चले थे, फिर भी हम यहाँ पर 6 बजे के आसपास पहुँचे। तो लगभग 12-13 घंटे हमें इस यात्रा में लग गए थे। मान लेते हैं कि हमने रास्ते में काफ़ी टाइम वीडियो बनाने में स्पेंड किया, लेकिन फिर भी अगर आप हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे तो 8-9 घंटे तो आपको लग ही जाएंगे, आप कितना भी तेज चलें। तो ये जो 5 घंटे की लोगों ने बात कही है और 5 घंटे लोगों ने बताया है कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कितना भी अच्छा चलेंगे, रेस्ट भी नहीं लेंगे, तो भी आपको ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम पहुंचने में 7-8 घंटे आसानी से लग जाएंगे। और मेरा तो यही मानना है कि आप आराम से चले, पहाड़ी रास्ता है, 8 घंटे की बजाय 9-10 घंटे भी लगते हैं तो भी सही है, लेकिन जल्दबाजी करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो ये देखिए, अब हम बद्रीनाथ धाम में एंट्री कर चुके हैं। आप यहाँ के जो सुंदर दृश्य हैं वो देख सकते हैं। कुछ ही देर में आप सभी को हम मंदिर में ले चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लग रही होगी, और ऐसी ही अगर वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दें। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस साल यात्रा की है, तो आप लोग भी कमेंट करके हमें समय ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम या ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम पहुंचने में कितना समय लगा है। और अब देख सकते हैं, ये बद्रीनाथ धाम का मुख्य मंदिर है, और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे हमारा खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हम भगवान बद्रीनाथ जी के बिल्कुल सामने खड़े थे। तो आइए आप सभी को मंदिर तक ले चलते हैं। मंदिर में वीडियोग्राफी अंदर की तरफ अलाउ नहीं है, लेकिन जितना हमारी कोशिश रहेगी, जितना यहाँ के आसपास के हम आपको दर्शन करा सके, उतना हमें खुशी होगी। तो आइए चलते हैं बद्रीनाथ धाम के दरबार में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जय बद्री विशाल जरूर लिखें और वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दें। जब हम बद्रीनाथ धाम पहुंचे तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले भगवान बद्री विशाल के हम दर्शन करेंगे, और उसके उपरांत ही हम होटल के लिए ढूंढेंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो रहा था और 8 बजे के आसपास जो मंदिर है कपाट बंद हो जाते हैं। तो आइए आप सभी को ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं। मुख्य मंदिर के बिल्कुल सामने हम आप सभी को ले चलेंगे, और ये देख सकते हैं विशाल मंदिर, भारत का कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। तो आप सभी लोग कमेंट में जय बद्री विशाल जरूर लिखें और वीडियो को जल्दी जल्दी आगे शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो मैंने पूरी डिटेल में बनाई है, बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग शेयर करेंगे तो ये जानकारी लोगों तक पहुंचेगी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। बद्रीनाथ धाम की जो सीरीज है, इसमें बहुत सारे पार्ट आएंगे। बद्रीनाथ के जो रूट में जितने भी मुख्य स्थान हैं मैंने मैक्सिमम कवर किया है, और सभी के वीडियो बनाऊँगा, सभी के एक एक पार्ट बनाऊँगा। तो आप लोग बद्रीनाथ धाम की सीरीज के सभी पार्ट को देखिएगा, और सेकंड पार्ट में हम बद्रीनाथ धाम में जो आसपास मंदिर के परिसर में जो मंदिर है वहाँ दर्शन कराएंगे, बद्रीनाथ जो मंदिर है इसका पौराणिक जो इतिहास है उसकी जानकारी देंगे। तो सभी पार्ट को जरूर देखें, इतना सहयोग आप सभी से मुझे चाहिए, और वीडियो को शेयर करते जाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, जय बद्री विशाल।